कैसे हैं आप दोस्तों, मैं हूं कबीर। दोस्तों, ओप्पो का K12X5G लॉन्च हो गया। इसको हम कंपेयर करने वाले इस वीडियो में वीवो के T3X5G से। ये दोनों ही काफ़ी हिट फोन है और वीवो की तरफ से इनकी जो टी सीरीज़ होती है ये काफ़ी बढ़िया होती है और वैल्यू फॉर मनी भी होती है। तो इन दोनों फ़ोनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे, देखेंगे इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, क्या हमें वीवो का फ़ोन लेना चाहिए या फिर ओप्पो का। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। उसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन फ़ोनों पर कुछ डिस्काउंट वगैरह भी चल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, वो भी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अनबॉक्स करके देखते हैं वीवो का। देखते हैं वीवो में क्या क्या मिलता है आपको बॉक्स के अंदर। सबसे पहले ऊपर रखा मिलता है हमें हमारा फ़ोन, ग्रीन कलर में हमने इसको मंगाया। डिटेल लुक इसका बाद में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों मिलते हैं कुछ यूज़र मैनुअल और क्विक गाइड वगैरह, वारंटी कार्ड भी हैं। उसके बाद आता है बॉक्स में रखा हुआ ट्रांसपेरेंट सा कवर। क्वालिटी वगैरह इस कवर की काफ़ी बढ़िया, सॉफ्ट सिलिकॉन कवर है। और फिर आती है डेटा केबल, टाइप सी 2 USB कनेक्टिविटी के साथ मिलेगी आपको। क्वालिटी और लेंथ वगैरह इसकी आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। एंड में रखा हुआ मिलता है इसके अंदर सिम इजेक्टर टूल। फिर आता है यहाँ पर रखा हुआ अडाप्टर, 44 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ ये अडाप्टर मिलेगा आपको USB 2 Type-C कनेक्टिविटी के साथ। क्वालिटी वगैरह इसकी भी आपको अच्छी ही मिलेगी। अब देखते हैं ओप्पो के बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिलता है। तो दोस्तों इसके अंदर भी ऊपर सबसे पहले रखा हुआ मिलता है हमें हमारा फ़ोन, डिटेल लुक इसका हम बाद में देखेंगे। उसके बाद अंदर की तरफ मिलते हैं ये कुछ यूज़र मैनुअल पढ़ने के लिए काफ़ी ये क्विक गाइड और वारंटी कार्ड यही है इसका। उसके बाद आता है सिम इजेक्टर टूल, काफ़ी बढ़िया से ऑर्गेनाइज करके दिया है ये। एंड में रखा हुआ मिलता है ये कवर, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। वीवो की क्वालिटी जो कवर की दी गई है उससे ज़्यादा ओप्पो के अंदर आपको अच्छा कवर मिलेगा। यहाँ पर ओप्पो की ब्रांडिंग वगैरह भी है। तो ये ट्रांसपेरेंट कवर नहीं है तो जल्दी पीला भी नहीं पड़ेगा और काफ़ी बढ़िया से चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी कवर कर रहा है। ग्रिपिंग वगैरह भी इस कवर की काफ़ी अच्छी है। फिर रखी मिलती है हमें हमारी केबल, टाइप सी 2 USB कनेक्टिविटी के साथ है। क्वालिटी वगैरह इसकी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी और लेंथ वगैरह भी सही है। अडेप्टर आता है इसके साथ 45 वाट का, वीवो वाले फ़ोन के साथ 44 वाट का था लेकिन ओप्पो वाले फ़ोन के साथ आपको 45 वाट का मिलेगा। लगभग स्पीड 19-20 का ही फर्क है, यहाँ पे एक जैसी ही मिलेगी आपको। तो बॉक्स के अंदर जो कंटेनर है दोनों फ़ोनों के अंदर काफ़ी बढ़िया दिए हुए हैं। डिज़ाइनिंग की बात करें तो दोनों ही फ़ोनों के बैक पर आपको मैटी फिनिश का डिज़ाइन मिल जाएगा। 2 कैमरे, 1 फ्लैशलाइट है। ओप्पो के फ़ोन के अंदर जो एक कैमरा मॉड्यूल दिया हुआ है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दिया गया है, वहीं वीवो वाले फ़ोन के अंदर राउंड शेप में दिया गया है। तो दोनों ही फ़ोनों के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त इनके कैमरे मॉड्यूल दिए गए हैं। बैक पर हमें दोनों फ़ोनों की मैटी फिनिश का डिज़ाइन मिलता है जिससे यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह भी नहीं आएंगे। इसके साथ दोस्तों IP64 रेटिंग के साथ आता है हमारे यहाँ पे वीवो का T3X5G और ओप्पो का K12X IP54 रेटिंग के साथ आता है। तो यहाँ पे पानी वगैरह से काफ़ी हद तक सेफ रहेगा हमारा वीवो का फ़ोन। यहाँ पे आपको जो इनकी बैक डिज़ाइनिंग मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, प्लास्टिक का फ्रेम मिलेगा वीवो में और ओप्पो के अंदर आर्मी ग्रेड के साथ सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वगैरह वैसे वीवो से ज़्यादा ओप्पो की अच्छी मिलेगी आपको, लेकिन अगर आपका फ़ोन पानी वगैरह में जाता रहता है या पानी के आसपास रहता है तो यहाँ पर आपको वीवो के अंदर आईपी रेटिंग ज़्यादा अच्छी मिल रही है। आपको इन दोनों फ़ोनों से दोस्तों किसकी डिज़ाइनिंग ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑन कर लेते हैं अपने फ़ोन और देख लेते हैं इंटरनल फीचर्स वगैरह। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनके यूज़र इंटरफेस मिलेंगे। वैसे तो कोई ज़्यादा इतना फर्क नहीं है यूज़र इंटरफेस में, लगभग आइकन के डिज़ाइनिंग का ही फर्क है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन होती हैं वीवो से ज़्यादा ओप्पो में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल्ड है। तो इन दोनों के OS में से जो ज़्यादा बढ़िया आपको यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा वो वीवो के फ़ोन में मिलेगा इस वक्त। डिस्प्ले डिज़ाइनिंग की बात करें तो दोस्तों ड्रॉप पंच होल वाला डिज़ाइन दिया गया है। इसकी जो बेजल्स वगैरह हैं दोनों फ़ोनों की और नीचे की जो चेन वगैरह है इनमें थोड़ी सी आपको छोटी चेन और बेजल्स मिलेंगे वीवो के T3X में। अब दोस्तों वीवो एक्सपीरियंस देख लेते हैं कैसा। कुछ इस तरीके से आपको ओप्पो का वीवो एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर कलर्स वगैरह आपको अच्छे मिलेंगे। इस फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले यूज़ की गई है वो LCD यूज़ की गई है। डिस्प्ले साइज जो इस फ़ोन का 6.67 इंचीज है और इस फ़ोन में फुल HD+ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, खाली HD+ का मिलेगा। तो एक छोटी सी कमी है इस फ़ोन में। वैसे तो दोस्तों ओप्पो के फ़ोन वैल्यू फॉर मनी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगते, लेकिन इस फ़ोन के अंदर मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ वैल्यू फॉर मनी देने की कोशिश की गई है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर ये 2-3 कमियाँ दे दी साथ में जिससे ये फ़ोन भी डिसअपॉइंट कर देगा काफ़ी यूज़र्स को। एक चीज़ इसके अंदर काफ़ी बढ़िया दी गई है, इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1000 निट्स तक जाएगी। तो आपको जो वीडियो में शेड्स वगैरह दिखते हैं या फिर आप सनलाइट वगैरह में फ़ोन को यूज़ करेंगे तो अपनी फेस दिखता है, मतलब आपको शेडो वगैरह का इशू देखने को मिलता है, वो इस फ़ोन में इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना और जनरली इस रेंज के अंदर आता है। जैसे MI के फ़ोन में आपको काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस फ़ोन के अंदर आपको इतनी नहीं मिलेगी। तो काफ़ी बढ़िया सा फ़ोन दे दिया ओप्पो ने। अब देख लेते हैं वीवो के अंदर कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोस्तों वीवो के अंदर भी आपको LCD डिस्प्ले मिलेगी, कलर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है। 6.72 इंचेस का इसका डिस्प्ले साइज़ है, माइनर सा बड़ा है ओप्पो के कंपेयर में, लेकिन इस फ़ोन के अंदर आपको फुल HD+ का सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। PPI भी इसके अंदर ओप्पो से ज़्यादा मिलेंगे आपको। ओप्पो में 264 थे लेकिन वीवो के अंदर 393 मिलेंगे। पीक ब्राइटनेस दोनों फ़ोनों की एकदम सेम है 1000 निट्स की। यहाँ पे कलर वगैरह और वीडियो एक्सपीरियंस वगैरह काफ़ी बढ़िया है। आपको शेडो वगैरह की प्रॉब्लम इस फ़ोन में भी इतनी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इसका आपको डिस्प्ले साइज थोड़ा सा आपको बड़ा मिलेगा, बेजल्स वगैरह छोटे हैं। तो वीवो एक्सपीरियंस भी इसका अल्टीमेट दिया गया है आपको। दोस्तों इन दोनों में से किसका आपको वीडियो क्वालिटी वगैरह ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब सेटिंग में चल के चेक कर लेते हैं दोनों फ़ोनों के अंदर कि किस फ़ोन के अंदर हमें कैसा रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। वैसे तो प्राइस रेंज के हिसाब से दोनों ही फ़ोनों में अच्छा रिफ्रेश रेट दिया गया है, 120
हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा ओप्पो में भी और वीवो में भी। वीवो के अंदर अगर प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए 15,000 का प्राइस है इसका। अगर इसके अंदर एमोलेड स्क्रीन होती तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता, क्योंकि इतने प्राइस रेंज में आपको एमोलेड स्क्रीन काफ़ी सारे फ़ोनों में देखने को भी मिल जाएगी। लेकिन वीवो ने थोड़ी सी यहाँ पर कंजूसी करते हुए LCD डिस्प्ले दी है। कंप्लीट फिजिकली लुक की बात करें तो दोस्तों दोनों फ़ोनों के नीचे की तरफ मिलेंगे आपको स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, एक माइक और 3.5 mm का जैक मिल जाएगा। ऊपर की साइड में दोस्तों दोनों फ़ोनों में प्लेन सरफेस है, दोनों में से किसी में भी आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक ऊपर की साइड में नहीं मिलेगा। राइट साइड पर ऑन ऑफ बटन मिलेंगे, वॉल्यूम कंट्रोल कीज़ और फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसमें आपको परफॉर्मेंस एक जैसी ही मिलेगी दोनों फ़ोनों में। लेफ्ट साइड पर मिलेगा यहाँ पर सिम लगाने का स्पेस। इन दोनों ही फ़ोनों की सिम ट्रे हाइब्रिड दी गई है, दो सिम के साथ आप एक मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 128 GB स्टोरेज है हमारे दोनों ही फ़ोनों में। यहाँ पर आपको 21 GB के आसपास डिटेक्ट होकर मिलेगी दोनों ही फ़ोनों के अंदर, वीवो में भी और ओप्पो में भी। तो यहाँ पे स्टोरेज वगैरह आपको बिल्कुल एक जैसी मिलने वाली इन दोनों फ़ोनों में। रैम की बात करें तो 6 GB रैम है और इन दोनों फ़ोनों के अंदर आपको वर्चुअली रैम का भी सपोर्ट मिलता है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जितनी भी आपको इंक्रीज़ करनी है 2 GB, 4 GB या 6 GB, तो ये चीज़ दोनों फ़ोनों में आपको एक जैसी ही देखने को मिलेगी। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा आपको 14। इसी के साथ आपको 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स और 3 साल का OS अपडेट भी देखने को मिल जाएंगे। 14 प्री इंस्टॉल है तो ये बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिलेगा दोनों ही फ़ोनों में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के ये लॉन्चेज है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों फ़ोन बढ़िया, आपको लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है, सिक्योरिटी अपडेट भी मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों परफॉर्मेंस वगैरह की बात करें तो दोनों फ़ोनों में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। एप्लीकेशन वगैरह काफ़ी फास्टली ओपन हो रही है, डिले वगैरह किसी भी फ़ोन में नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा फास्ट जो रिस्पॉन्स मिल जाएगा वो वीवो के T3X में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको प्रोसेसर वगैरह ज़्यादा अच्छा दिया गया है, ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर की स्पीड वगैरह भी है। यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिलेगा MediaTek का Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलेगा यहाँ पर ओप्पो के K12X 5G में, और वीवो के T3X के अंदर Qualcomm Snapdragon 6th Generation 1 का प्रोसेसर मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको वीवो के अंदर ज़्यादा अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड मिल जाएगी। आप अगर हैवी गेम खेलते हैं या फिर वीडियो एडिट करते हैं या आप जनरल यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से आपको वीवो के अंदर परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों बैटरी की बात करें तो 5100 mAh की बैटरी मिलेगी ओप्पो के K12 में, और 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी वीवो के T3X में। तो T3X के अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया बैटरी की परफॉर्मेंस मिल जाएगी। दोनों फ़ोनों की चार्जिंग स्पीड भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है, 45 W ओप्पो में और 44 W वीवो में। लगभग 30 मिनट्स के अंदर आपका 50% फ़ोन चार्ज भी हो जाएगा। तो आपको परफॉर्मेंस अगर बैटरी की ज़्यादा अच्छी चाहिए, आप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ़ोन चाहते हैं कि आप एक बार चार्ज करें आपको दिन में चार्ज ना करना पड़े, तो ये चीज़ आपको वीवो में ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे दोनों ही फ़ोन 5G हैं, कनेक्टिविटी आपको दोनों फ़ोनों में बढ़िया मिलेगी, डुअल सिम 5G मिल जाएगा। कैमरे की बात करें दोस्तों 32 MP का मेन कैमरा मिलेगा आपको ओप्पो में, सेकंड कैमरा 2 MP का मिल जाएगा डेप्थ कैमरा, और फ्रंट कैमरा 8 MP का। तो मेगापिक्सल वगैरह तो काफ़ी सही है। इसके अलावा आपको वीवो के अंदर जो कैमरे मिलेंगे इसमें भी 2 कैमरे हैं बैक पे। मेन कैमरा इसका 50 MP का अल्ट्रा वाइड, सेकंड कैमरा 2 MP का डेप्थ कैमरा, और फ्रंट कैमरा 8 MP का। तो लगभग आपको फ्रंट कैमरे के मेगापिक्सल तो दोनों फ़ोनों में एक जैसे मिलेंगे। कैमरे के अंदर ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या बढ़िया मिलता है। तो ये दोनों फ़ोनों में आपको बढ़िया ऑप्शंस मिल जाएंगे, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, स्लो मोशन और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे लाइव फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा आपको वीवो में, टैक्स स्कैनर वगैरह मिल जाएगा ओप्पो में। तो ये चीज़ें दोनों में एक जैसे मिल जाएगी। जूमिंग वगैरह की बात करें तो यहाँ पे 10x का जूम मिल जाएगा हमें दोनों ही फ़ोनों के अंदर, लेकिन जूम करने के बाद जो पिक्चर क्वालिटी वो इतनी बढ़िया नहीं है। यहाँ पे अलग से इफेक्ट लग रहा है कि पिक्चर जूम की गई है और तो पिक्सल वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी सारे फट रहे हैं। ये काफ़ी सारे फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे। ओप्पो के अंदर वीवेट का ऑप्शन मिल जाएगा जैसे आईफोन में होता है, वहीं पर वीवो के अंदर भी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगी दोनों की। यहाँ पर ओप्पो का जो कैमरा 32 MP है और वीवो का 50 MP, लेकिन फोटो के अंदर मुझे कोई भी इतना ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं लग रहा 32 या 50 में। दोनों फ़ोनों की पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल सेम है, 19-20 का ही फ़र्क नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी दी गई है। तो दोस्तों अगर आप कैमरे के लिए फ़ोन देख रहे हैं, इनमें से कोई भी फ़ोन ले सकते हैं, दोनों में आपको पिक्चर क्वालिटी बढ़िया ही मिलने वाली है। अब बात करें दोस्तों इनकी प्राइसिंग वगैरह की, तो 13,000 रुपये का ओप्पो का K12X 6 GB रैम वाला वेरियंट, इस पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे इसका प्राइस 12,000 रुपये हो जाता है। वहीं वीवो का T3X का जो प्राइस है 15,000 रुपये, इस पर यहाँ पर 1,700 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे इसका प्राइस 13,300 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट सेम से ही प्राइस है उन दोनों फ़ोनों के, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 1,300 रुपये का फ़र्क है। तो बेटर ये रहेगा कि आप वीवो का T3X लें 1,300 रुपये और एक्स्ट्रा डाल के, क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी भी बढ़िया मिल रही है, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी मिल रही है ओप्पो के कंपेयर में। यहाँ पे PPI वगैरह ज़्यादा है, Full HD+ का सपोर्ट भी मिल जाता है, IP64 रेटिंग मिल रही है, तो पानी वगैरह से भी काफ़ी सेफ रहेगा। वैसे भी ये काफ़ी रेनी सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पे आपका फ़ोन तो एटलीस्ट सेफ ही रहेगा पानी से, आप भले ही सेफ ना रह पाए, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ रहेगी। ओवरऑल दोस्तों आपको इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन फ़ोनों का कंपैरिजन अगर आप किसी और फ़ोन से देखना चाहते हैं तो ये चीज़ भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग या कंपैरिजन के साथ।